प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के YouTube चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी से संबंधित, और ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने स्टार्ट कर रखा एक टॉपिक विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। और विश्व की प्रमुख जनजातियों में एस्किमो जनजाति कर ली है, उसके बाद में बुशमैन के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, बुशमैन जनजाति के बारे में। बुशमैन जनजाति के बारे में हमने देखा था कि इसका जो निवास क्षेत्र है वो निवास क्षेत्र कहाँ है, किस महाद्वीप के अंतर्गत पाया जाता है, किस देश में इसका विस्तार कितने डिग्री से कितने डिग्री के अंतर्गत है, और कौन सा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल की बात की थी। उसके साथ साथ में हमने देखा था कौन सा क्षेत्र है, जैसे हम बात कर रहे हैं इस मरुस्थल के कालाहारी मरुस्थल के, और इस मरुस्थल के चारों ओर जो देश थे, अंगोला था, नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका और इधर बोत्सवाना, इस प्रकार से इन क्षेत्रों में बुशमैन लोग निवास करते हैं। और इनकी जलवायु, इस क्षेत्र की जलवायु संबंधी अध्ययन किया था, तापमान अधिक पाया जाता है और जो रातें ठंडी मिलती हैं वो, उसके बारे में भी देखा था, जलवायु के बारे में देखा था, अर्ध उष्णकटिबंधीय है, और उसके बाद में आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में देखा था। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हमने बात की थी अखेट की, और हमने बात की थी भोजन संबंधी। अब हम बात कर रहे हैं वस्त्र संबंधी। बुशमैन लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? देखिए, जो पुरुष हैं वो पुरुष क्या करते हैं, तिकोना वस्त्र पहनते हैं, जिसको लंगोट कहते हैं। तिकोना वस्त्र पहनते हैं, तिकोना लंगोट पहनते हैं बुशमैन जनजाति के पुरुष। और स्त्रियों की बात करेंगे तो स्त्रियां क्या करती हैं, आगे और पीछे दोनों को कवर करते हुए एक वस्त्र पहनती हैं, जिसको एप्रन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्रन बोलते हैं। ये क्या होता है? चौकोर होता है। चौकोर एप्रन पहनती हैं स्त्रियां। बुशमैन स्त्रियां क्या करती हैं? चौकोर एप्रन पहनती हैं, और पुरुष क्या होते हैं? तिकोना लंगोट पहनते हैं। और स्त्रियों का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र भी है, जिसको क्या कहते हैं? चोगा कहते हैं। क्या कहते हैं? चोगा। और इनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस कहते हैं। देखिए, ये क्रॉस होता क्या है? क्रॉस होता है कि पीछे से बांधा जाता है और आगे इस प्रकार से लाया जाता है, और यहाँ पर इस प्रकार से इसकी जो कपड़ा आता है वो इस प्रकार से आता है, और आगे से कमर से क्या करते हैं, इसको बांध लेते हैं। इससे क्या होता है, पीछे एक थैले नुमा संरचना मिलती है, इसके अंतर्गत ये लोग क्या करते हैं, जो शिशु होते हैं उनको रख लेते हैं, साथ साथ में कोई भोजन सामग्री होती है उस भोजन सामग्री को भी इसी क्रॉस में रखते हैं। तो ये क्रॉस पूछा जा सकता है, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आता है, क्रॉस क्या है? तो क्रॉस से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार आप उसका जवाब दे सकते हैं। ये वस्त्र और बिस्तरबंद दोनों ही होते हैं, वस्त्र और बिस्तरबंद दोनों ही होते हैं, क्योंकि ये पूरी कमर और पूरे आगे का और पीछे का कवर करता है ये वस्त्र। और बुशमैन लोग क्या करते हैं, चमड़े की टोपी व जूते भी पहनते हैं साथ साथ। तो वस्त्र संबंधी हम बात कर रहे हैं, तो वस्त्र के अंतर्गत हमने देखा पुरुष किस प्रकार के वस्त्र पहनता है और स्त्री किस प्रकार के वस्त्र पहनती हैं, और पहनने के अंतर्गत जूते भी हैं और चमड़े की टोपी भी है। अब हम बात कर रहे हैं इनका जो निवास क्षेत्र है, या हम इसके मकान की बात करें, घर की बात करें, मकान कहाँ मिलते हैं,
किस प्रकार से मिलते हैं? देखिए, इनके जो मकान होते हैं वो चट्टानी गुफाओं में मिलते हैं। इनके जो मकान होते हैं या तो गुफाओं में मिलेंगे, अगर खुला वातावरण है, तो वहाँ घास फूस व झाड़ियों के द्वारा झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं। अगर खुले क्षेत्र में निवास कर रहे हैं तो क्या करेंगे, झोपड़ी बना कर रहेंगे। अगर कहीं चट्टानी प्रदेश में या मरुस्थलीय प्रदेश में कहीं पर निवास कर रहे हैं तो वहाँ गुफाओं में ये अपनी शरणें लेते हैं। और इनके अल्पकाली कुछ समय के लिए, अल्पकालीन का मतलब क्या होता है, कुछ समय, जब ये कुछ समय के लिए शिकार पे जाते हैं या किसी विशेष कार्य के लिए जाते हैं कुछ समय के लिए, तो कुछ अल्पकालीन गांव का निर्माण करते हैं। उस अल्पकालीन गांव को वेर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेर्फ नाम दिया जाता है। बुशमैन लोगों का जो अल्पकालिक गांव है जिसको वर्फ या वेर्फ नाम दिया जाता है। और ये जो गांव होता है, ये गांव क्या है, 8 से 10 झोपड़ियों के रूप में आपको ये गांव स्पष्ट होगा। और इसके अंतर्गत क्या है, देखिए, समुदाय की बात की थी हमने, तो कि ये कम से कम 20 लोग निवास करते हैं, कम से कम 20 लोग, इससे अधिक नहीं निवास करते हैं, 20 हो सकते हैं मैक्सिमम या इससे कम होते हैं, ये समुदाय की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके वर्फ के अंतर्गत क्या होता है, 8 से 10 झोपड़ियाँ सम्मिलित होती हैं। अब इनके औजार की बात करेंगे, औजार व बर्तन की, तो शिकार के समय ये किस प्रकार के औजार का उपयोग करते हैं। जैसे हमने देखा था एसिकमों में कि ये लोग एसिकमों लोग क्या हैं, कयार, उमियाक, हारपून, स्लेज गाड़ी, ये सारी चीज़ें उपयोग में लेते थे शिकार के दौरान। लेकिन ये बुशमैन लोग क्या करते हैं, बुशमैन लोग तीर कमान, भाला, बर्ची, डंडा, अग्निदंड, ये सारे के सारे औजार शिकार के रूप में प्रयोग में लेते हैं। तीर कमान हो सकता है, कोई भाला हो सकता है अग्निदंड हो, जैसे मतलब तीर के आगे उसको जलाकर उसका शिकार किया जाता है ताकि जानवर शीघ्र ही क्या हो जाए, शीघ्र ही गिर जाए और उसका आसानी से शिकार किया जा सकता है। इस प्रकार के औजारों का प्रयोग करते हैं। और साथ साथ में ये जो औजार होते हैं ये किससे बनाते हैं, ये धातुओं से नहीं बने होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, जो शुतुरमुर्ग होते हैं या जिराफ होते हैं, इन जानवरों की जो पैर की हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों को क्या करते हैं, घिसते हैं, और घिसकर क्या करते हैं, उनको नुकीला बना लेते हैं, छोटा भी बना लेते हैं, बड़ा यंत्र भी या औजार भी बना लेते हैं, ताकि कम से कम ये जो यंत्र बनाते हैं, तीर कमान, भाला, बर्ची, ये कितनी दूर तक मार करता है, कम से कम की बात करें तो 60 मीटर तो ये काम करता ही है। 60 मीटर की दूरी पर ये लोग आसानी से इन यंत्रों के द्वारा शिकार कर सकते हैं। और साथ साथ में क्या है कि जो भोजन संग्रहण की बात करें, इनका जो व्यवसाय है अखेटक और खाद्य संग्रहण, दो नाम हमने लिए थे, अखेटक का रूप हमने देख लिया है, और भोजन संग्रहण की बात करेंगे तो क्या करते हैं, ये पेड़ों की जो छाल होती है उस छाल से क्या बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं उस पेड़ के छाल से। और बर्तन की बात करेंगे इनके, तो इनके पास बर्तन क्या हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो ये भोजन वगैरह या खाने के रूप में किन बर्तनों का उपयोग करते हैं, शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं ना, उन अंडों की छाल जो होती है उस छाल से क्या करते हैं, ये अपने बर्तन बनाते हैं। या कुछ लकड़ियों के भी ये बर्तन है, लकड़ी का कुछ आकार देकर, प्याले वगैरह या थाली वगैरह इस प्रकार से आकार देकर उसके भी बर्तन बनाते हैं। और जो भोजन सामग्री लाने और ले जाने का जो थैला होता है वो चमड़े का थैला होता है। वो चमड़े का थैला किससे बना होता है, हिरन की खाल से बना होता है।
तो ये औजार व बर्तन के बारे में है बुशमैन के अंदर। अब हम बात करेंगे, ये हो गए सारे के सारे आर्थिक क्रियाकलाप। अब हम देखेंगे कि इसका जो समाज व संस्कृति है वो समाज व संस्कृति किस प्रकार से, ये देखेंगे। बुशमैन लोगों की समाज व संस्कृति की बात करें तो देखिए, ये एक छोटे से दल में निवास करते हैं, छोटा सा समूह है बनाकर निवास करते हैं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या में एक जगह पर इकट्ठे रहते हैं, ये नहीं होता है, छोटा सा समूह है बनाकर रहते हैं। छोटा समुदाय पाया जाता है इनमें, छोटा समुदाय पाया जाता है। और इनके कल्चर की बात करेंगे तो उस कल्चर में क्या चीज़ झलक दिखाई देगी, प्रकृति की झलक दिखाई देगी। मतलब प्राकृतिक चीज़ों को ये महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। अगर कोई उत्सव है या कोई धार्मिक परंपरा है या कोई कलाएं हैं, उन कलाओं में क्या करेंगे, प्राकृतिक जो वातावरण है उस प्राकृतिक वातावरण को महत्वपूर्ण स्थान देंगे। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जादू टोना पर भी विश्वास करते हैं। मतलब ये लोग क्या हैं, अंधविश्वासी लोग हैं। अंधविश्वास इनमें ज़्यादा पाया जाता है, जादू टोना भूत प्रेत इन चीज़ों को क्या करते हैं, ये अधिक मानते हैं। और इनके अंतर्गत क्या होता है कि जो भूत प्रेत होते हैं, भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, इस प्रकार की कोई बीमारी है तो उस बीमारी को ठीक करने वाले को क्या कहते हैं, ये लोग ओझा कहते हैं। ओझा क्या करता है, ओझा बीमारियों को दूर करता है। जो भूत प्रेत वाली जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को दूर करने वाले को क्या कहते हैं, ओझा कहते हैं। ये दो देवताओं को मानते हैं, कौन कौन से देवता, सिर्फ दिशा के आधार पर हमें ज्ञान है कि एक तो होता है पश्चिम में और एक होता है पूर्व में। पूर्व और पश्चिम दो देवताओं को ये मानते हैं। एक तो है कि जी पूर्व में जो देवता दिखाई दे रहा है उसको मानते हैं, और एक पश्चिम में किस क्षेत्र के, कालाहारी मरुस्थल के पूर्व और पश्चिम की बात चल रही है, उस क्षेत्र के अंतर्गत ये दो देवताओं को मानते हैं। और साथ साथ में इसके अंतर्गत, कल्चर के अंतर्गत बात करें, संस्कृति के अंतर्गत, तो ये क्या करते हैं, जब चट्टानों और गुफाओं में अपना निवास ग्रह बनाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, बैठे बैठे पेंटिंग भी करते हैं। तो इस प्रकार का इनका कल्चर है, इनका समाज है। अब हम बात करेंगे इसके वातावरण और इसके समायोजन के बारे में कि भी इसके वातावरण क्या हैं, किस प्रकार से ये लोग रहते हैं। वातावरण व समायोजन, देखिए बुशमैन लोगों की बात करेंगे तो ये लोग क्या हैं, इनमें जो क्षमता होती है जीवन व्यतीत करने की, जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि ये उष्ण क्षेत्रों में, उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों में जीवन या जीवित रहने की जो शक्ति है वो अधिक पाई जाती है। और ये लोग क्या करते हैं, वातावरण के अंतर्गत अपना मतलब स्वतंत्रता पूर्वक रहते हैं, उसके अनुकूल क्यों बने रहते हैं, क्योंकि क्या होता है, इनके पास में थोड़ा सा सामान होता है, थोड़ा सा सामान होता है। परिवार क्या होता है, परिवार क्या होता है, सीमित होता है। क्या होता है, सीमित परिवार, मतलब छोटा परिवार होता है। अगर ये थोड़ा सामान होगा, परिवार सीमित होगा, और भोजन अपने पास में जो संसाधन है वो संसाधन क्या होंगे, कम होंगे, संसाधन कम होंगे, इस प्रकार से क्या है, एक व्यक्ति दूसरी जगह जाने में कोई परेशानी महसूस नहीं होगी, वो स्वतंत्रता पूर्वक क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, इस प्रकार से वो क्या कर सकता है, वो वातावरण के अकॉर्डिंग बन सकता है, उसको कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी कि हम यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह
नहीं जा सकते हैं, इस प्रकार की कोई असुविधा उनको उत्पन्न नहीं होगी। और ये जो इन समुदायों की बात करें, बुशमैन समुदायों की बात करें, अगर कोई ऐसा समय आ जाता है, जैसे अकाल की बात करूं मैं, अकाल का समय आ जाता है तो ये लोग विशेष सावधानियां भी बरतते हैं ताकि इन पर क्या हैं मुसीबतें न आए, इन पर कोई आपदाएं उत्पन्न न हो, ये अपना वातावरण उसी प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं। अगर अकाल का समय है तो उसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं, इसलिए इनको कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। और आगे हम बात करेंगे कि ये जो शिकार करते हैं ना, शिकार करते हैं तो ये वातावरण और दूसरे लोगों का, दूसरे पशुओं का, दूसरे प्राणियों का जो जीवन है उसका भी महत्व समझते हैं। कैसे समझते हैं कि अगर कोई मादा है या कोई वयस्क प्राणी है, प्राणियों की बात चल रही है, तो उनका ये शिकार नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इतनी मतलब शिक्षा भी नहीं है इनके पास में, ये बिल्कुल अनभिज्ञ हैं आधुनिक संस्कृति से, लेकिन फिर भी इतना ध्यान रखते हैं कि मादा और वयस्क जो प्राणी होते हैं, पशु जातियाँ होती हैं, उनका हम क्या करें, शिकार न करें, इतना ध्यान रखती हैं। और साथ साथ में क्या है, जो ईंधन की बात करेंगे, हम ईंधन की बात करते हैं तो ईंधन के लिए जो अग्नि जलाई जाती है उस ईंधन का भी उपयोग क्या करते हैं, कम करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये आवश्यकता अनुसार ईंधन का प्रयोग करते हैं। आवश्यकता साथ मतलब क्या कर रहे हैं, ये वातावरण के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। तो ये हमने देखा है। अब लास्ट हम बात करेंगे इस टॉपिक से संबंधित कि आधुनिक संस्कृति की बात करें, आधुनिक संस्कृति से क्या संपर्क है इनका। आधुनिक संस्कृति की बात करेंगे तो आधुनिक संस्कृति के अंतर्गत क्या है, वर्तमान दृष्टि से देखें हम कि बुशमैन लोगों का धीरे धीरे जो बाह्य संस्कृतियां हैं, जैसे दक्षिणी अफ्रीका का जो कैप टाउन क्षेत्र है ये विकसित श्रेणी के अंतर्गत है, फिर मैं बात करूं ऊपरी क्षेत्रों की, यहाँ इन क्षेत्रों से धीरे धीरे क्या है इनका संपर्क बड़ा है। कहने का अर्थ बाह्य संस्कृतियों से इनका धीरे धीरे क्या हो रहा है, संपर्क हो रहा है। और इसी संपर्क के कारण क्या है कि वर्तमान में ये लोग शिकार की बजाय क्या करने लगे हैं, आदिम निर्वाह कृषि करने लगे, क्या करने लगे हैं, आदिम निर्वाह कृषि करने लगे। कृषि क्षेत्रों में ये भागीदारी बढ़ाने लगे हैं, शिकार का जो व्यवसाय है इनका, ये व्यवसाय धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब हम बात करें कि ये जो लोग भोजन प्राप्त करते हैं उस भोजन का क्या करते हैं, व्यापार भी करते हैं, वस्तु विनिमय भी करते हैं, वस्तु के बदले वस्तु देना ही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है, इसी को वस्तु विनिमय व्यापार भी कहते हैं। और इसके साथ साथ में क्या है कि जो यूरोपीय लोग हैं उन यूरोपीय लोगों से भी इनका धीरे धीरे क्या हो रहा है, संपर्क बढ़ रहा है, और ये धीरे धीरे आधुनिक संस्कृति में क्या हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं। इसी के कारण क्या है, बुशमैन लोगों की जनसंख्या जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, निरंतर घट रही है। तो इस प्रकार से हमने बुशमैन जनजाति के बारे में देखा है कि बुशमैन के जो क्लाइमेट्स, जो क्षेत्र हैं बुशमैन के, वहाँ के क्लाइमेट्स किस प्रकार से हैं, कितनी जनसंख्या में ये निवास करते हैं, इनके आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में बात की, आखेट के बारे में, भोजन के बारे में, वस्त्र के बारे में, औजार के बारे में इस प्रकार से देखा। उसके बाद में जो समाज व संस्कृति, सोशलाइज एंड जो कल्चर है वो कल्चर किस प्रकार से था, और जो इन्वायरमेंट में एडजस्ट करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, और लास्ट में हमने देखा है कि आधुनिक संस्कृति जो वर्तमान में जो संस्कृति चल रही है उनके साथ में इनका संपर्क है किस प्रकार से है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।